तो हम देखिए पटना में आ गए हैं, ये जेडीयू का दफ्तर है, एक सड़क के उस पार आरजेडी का दफ्तर है, सड़क के इस पार जेडीयू का दफ्तर है। और हमने फिर वही तय किया है कि ये जो लाइन है ये है लक्ष्मण रेखा। जेडीयू दफ्तर के अंदर आकर के नहीं पूछेंगे नीतीश कुमार पे क्या है उनका सोचना, बाहर निकल के अंदर का तो रुख क्या होगा क्लियर है। और जो पहला देखिए भाई साहब आते हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार ऐलान किए हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, क्या मैसेज गया आपके अंदर? ये माइक यहाँ लगाएं, इसे दिल पे लगा दें, दिल में चोट पहुंची है, चोट पहुंची है, तकलीफ हुई है। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया इन 15 सालों में कि आपको यहाँ चोट लगी है? सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये फ्लाईओवर देख रहे हैं आप, ये जो सामने है ये एक मतलब बहुत सारे फ्लाईओवर का एक छोटा सा फ्लाईओवर यहाँ पे ये बनाया है। यशस्वी कह रहे हैं मैं आऊंगा तो विकास की गंगा बह जाएगी, बेरोजगारी का नामो निशान। बोलना बहुत आसान है, अब आखिरी चुनाव है तो फिर इन्हीं का सरकार है। अच्छा तो अच्छा काम किए है, ये कहे आखिरी चुनाव की संन्यास की बात कहे करने लगे इतनी जल्दी? संन्यास के अब तो इनका मन का इच्छा है जो करे। दुख हुआ ये बात कहने से कि आखिरी चुनाव है? नहीं दुख क्या, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थक गए नीतीश बाबू अब रिटायर। और ना युवक है ना युवक लगा सोच के बोल रहा है, और क्या नया लड़का है आप कह रहे हैं? तो ना युवक ही है ना और क्या, इससे पहले से उनका फादर थे मुख्यमंत्री बिहार का, उनके बाद ही नीतीश जी बने हैं। कहा बोले नीतीश जी ऐसा? क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थक गए हैं, कांग्रेस कह रही है कि हार रहे हैं इसलिए बोले हैं ऐसा? हार तो रहे हैं, हार रहे हैं, आपको दुख भी हुआ है और ये भी कह रहे हैं कि हार रहे हैं? आप एकदम ऑनेस्ट राय दे रहे हैं अपने दिल के हिसाब से, अपने दिल के बयान के बाद अब जो वोटिंग होने वाली तीसरे चरण की उसमें माहौल बदल तो नहीं जाएगा, लोग और जुड़ जाएंगे समर्थक? हाँ नहीं नहीं अब आखिरी चुनाव है, हम तो पता किए हैं सब जगह असर पड़ा है, लोग उदास हो गए, उदास हो गए हैं, तो जो उदास हुए हैं और डट के ना वोट करते हैं तीसरे वाले ना करेंगे, उनको लग रहा है कि इसको बैठा देंगे नहीं बैठा देंगे कौन जगह। पब्लिक का सोचना आप लोग का गलत है, ये आखिरी चुनाव वो नहीं बोले थे, इनका कहने का मतलब था कि इस जो ये जो चुनाव हो रहा है उसका आखिरी चरण था। अच्छा ये मतलब था? तो ये बात तो ये मतलब तो आपके अलावा कोई समझा ही नहीं, हर कोई समझा कि उनका आखिरी, आप अच्छे से देखिए इनका कहने का ये तात्पर्य था, ये उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव। नहीं 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 ऐसा नहीं 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 देखिए इमोशनल कार्ड ये नहीं है, सबसे बड़ा चीज है कि ये उन तो जीत ही रहे हैं, जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ अगर यही मैसेज गया कि लोगों ने माना कि उनका आखिरी चुनाव है, मान लीजिए अब जो कल पोलिंग होने जा रही है उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ेगा अगर लोगों ने यही समझा कि आखिरी चुनाव है, तो क्या ज्यादा निकलेंगे और मजबूती से वोट देंगे उनको? देखिए ये तो पहली बात की गलत बात है कि ये उनका कहने का तात्पर्य नहीं था कि हमने मान लिया, आप जो कह रहे हैं वही हमने मान लिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर ये मैसेज गया है क्योंकि ये बहुत अगर ऐसा रहता तो इसके पहले फर्स्ट चुनाव 71 सीट पर हुआ, दूसरा 94 सीट पर हुआ, तो पहले बोलते यही तो कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस की उनको लग गया कि हार रहे हैं इसलिए अंतिम में क्यों बोले? वो लोग कह रहे हैं कि उनको लग गया है कि अब हार रहे हैं, तो हार क्यों, हम लोग तो इसमें कहां से ये है, अगर वो अंतिम में क्यों बोले, अगर उसका अर्थ को व्यर्थ अगर लगाया जा रहा तो दूसरी बात है, वो तो पहले ही पेज में बोले रहते। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।